त्योहारों के मद्देनजर कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ रेलवे पुलिस का स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया गया। देश भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में रेलवे ट्रेन से ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की दोनों टीमें मिलकर लोगों के सामान की चेकिंग भी कर रही हैं और उन्हें समझा भी रही हैं कि कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर उन्हें दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना रेलवे पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर पर संपर्क करें और वैध टिकट लेकर ही ट्रेन में सफर करें। बता दें, कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और यहां पर कई रेलगाड़ियों का ठहराव भी होता है। इसी कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से दिल्ली और अमृतसर की ओर जाने वाली असंख्य रेलगाड़ियां यात्रियों को दोनों दिशाओं की ओर लेकर जाती हैं। इसी रेलवे स्टेशन से मथुरा, वृंदावन, भोपाल, गुरुद्वारा अमृतसर साहिब की ओर, नांदेड़ साहिब की ओर भी ट्रेनों का आवागमन होता है। ऐसे में वैश्विक महामारी कोरोना अपने अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार रेलवे स्टेशन की रेलगाड़ियों की चेकिंग करते हैं और उनके दिशा अनुसार जो भी ड्यूटी करते हैं उसमें कोई कोताही नहीं करते और जो भी यात्री पीड़ित हो उसकी मदद करते हैं। दशहरे का त्यौहार है, इस पर विशेष तौर से चेकिंग करी जा रही है। आरपीएफ और जीआरपी मिलकर रेलवे स्टेशन सभी तरह की चेकिंग कर रहे हैं। तो लोगों को कैसे समझा रहे हैं, क्योंकि वैध वैली टिकट हो, त्यौहार का दिन है, दशहरा है, आगे दीपावली का पर्व भी आ रहा, बड़ा हैट्रिक, बड़ी सिरदर्दी भरी, टेंशन भरी जॉब रही है। सभी यात्रियों की जो हमारे से कोई मदद चाहता है उसकी मदद करते हैं, हर प्रकार की उसको सुझाव देते हैं, पीड़ित की कानूनी कार्रवाई करते हैं और नशे से बचने के लिए युवाओं को समझाते हैं और सभी कार्रवाई हम अपने अधिकारियों की दिशानुसार ही करते हैं। इस समय में अगर कोई बगैर टिकट या नशा पकड़ा मिलता है किसी के पास तो किस प्रकार कार्रवाई करते हैं, क्या कार्रवाई है? उसके कानूनी कार्रवाई करते हैं, जो बनती है जुर्माना होता है जुर्माना करते हैं और जो कानून कार्यक्रम का मुकदमा दर्ज कर देते हैं हम। ट्रेनों में स्पेशल अभियान भी चलाए हुए हैं, ट्रेनों में स्पेशल चेकिंग हो रही है, चोरी चारी घटनाएं होती रहती है, उनके चोरों को पकड़ने के लिए भी रात को हम नाइट चेकिंग कर रहे हैं आरपीएफ के साथ मिलकर। और एक हमने पहले मुकदमा दिया था आरपीएफ ने, हमने मिलकर है ना एक टीवी ट्रैली एक लेडीज थी यात्री उसकी बरामद भी करवाई थी। आगे भी हम अपनी ड्यूटी सावधानी से करते रहेंगे। कैसे चेकिंग अभियान चल रहा है आप लोगों का आरपीएफ? हम लोग के यहाँ पे कुरुक्षेत्र स्टेशन पे चेकिंग अभियान पूरे जोरों से चल रहा है। हम यात्रियों के सामान की चेकिंग कर रहे हैं, त्यौहार के मद्देनज़र कोई असामाजिक तत्व, कोई मतलब किसी प्रकार की कोई ज्वलनशील पदार्थ या कोई मतलब वैसे छोटे मोटे बम का है, त्यौहार के दिनों में ये सब चलता रहता है, तो हम सारे सामानों की सारी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं ताकि कोई इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके या तो मतलब किसी यात्री या सवारी को मतलब तो लोगों को समझा बुझा भी रहे हैं यात्रियों को और लोगों को समझा रहे हैं कि कोई किसी प्रकार की कोई आसा मतलब लावारिस वस्तु कोई गाड़ी में दिखाई दे या प्लेटफार्म पे दिखाई दे तो उससे छुए ना उठाए नहीं, बल्कि जीआरपी और आरपीएफ को बताएं कि वहाँ पर लावारिस सामान पड़ा हुआ है, ये समझाया जा रहा है ताकि किसी यात्री को नुकसान ना हो। इसलिए शुभ नाम मैडम, मैं सुमन एक